सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। छोटी से छोटी बुराई को भी अपने पास न आने दी, क्योंकि अन्य बुराइयाँ सुनिश्चित रूप से इसके पीछे पीछे आती है। आपकी मर्जी के बिना कोई भी आपको तुच्छ होने का एहसास नहीं करवा सकता। अपने खराब आदतों पर जीत हासिल करने की समान जीवन में कोई और आनंद नहीं हो सकता। अभी भी आपके आसपास जो सुंदरता बची है उसके बारे में सोचिए और खुश रहिए। आज का पंचांग 26 नवंबर 2023 दिन रविवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 3:53 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र दोपहर 2:05 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:15 से 5:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर शाम 7:56 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। आप सभी को मणिकर्णिका स्नान और देव दिवाली की शुभकामनाएं। मेष राशि 26 नवंबर 2023 दिन रविवार, आप अभी काम में किसी नुकसान का सामना कर रहे हैं। अध्यापक या सलाहकार से मार्गदर्शन के लिए मिलें। अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालें। अपनी चिंताओं को रहस्य न रखें या किसी जोखिम भरे व्यवहार में लिप्त न हो। यह समय अच्छा और शुरू से भरा हुआ है। आज का दिन मिश्रित फल देने वाला है, इसीलिए खास ख्याल रखें। मन के अनुसार जीवन के प्रति अपना रवैया बदलें। आप अपने भौतिक दृष्टिकोण को बदलने की भी कोशिश करेंगे। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। बस आपको उन्हें ढूंढना है। आपको आज कोई अप्रत्याशित अनुभव भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इससे परेशान ही होंगे, लेकिन इससे आपके मन में हलचल जरूर मच जाएगी। इससे आपके दृष्टिकोण में खासा बदलाव भी आ सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में ना घबराएं, क्योंकि यह समय अपने स्थान पर दूसरों की भावनात्मक मांगों को प्राथमिकता देने के लिए अधिक उपयुक्त है। आपका झगड़ालू स्वभाव आपके दुश्मनों की सूची लंबी कर सकती है। किसी को खुद पर इतना नियंत्रण ना दे कि वह आपको नाराज कर सके, जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। अपने धन का संचय कैसे करना है, यह हुनर आज आप सीख सकते हैं और इस हुनर को सीखकर आप अपना धन बचा सकते हैं। पारिवारिक परेशानियों को हल करने में आपका बच्चों जैसा मासूम बर्ताव अहम किरदार अदा करेगा। आप महसूस करेंगे कि प्यार में बहुत गहराई है और आपका प्रिय आपको सदा बहुत प्यार करेगा। आप किसी बड़े व्यापारिक लेन देन को अंजाम दे सकते हैं और मनोरंजन से जुड़े किसी परियोजना में कई लोगों का सहयोग कर सकते हैं। आपका चुंबकीय और जिंदादिली व्यक्तित्व आपको सबके आकर्षण का केंद्र बना देगा। जीवन साथी की मासूमियत आपके दिन को खास बना सकती है। अगर अपने सपने और कल्पनाएं साकार करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता व कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। आपको बहुत सी परेशानियों का सामना मिलेगा। कहीं रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। एक एक करके समस्याओं को सुलझाएं। लोगों की आलोचना को ज्यादा महत्व न दें। अपने काम के बारे में सोच विचार करने की आवश्यकता है। काम आगे बढ़ाने के लिए सोच में सुधार करना होगा। हर काम वक्त पर पूरा करने की कोशिश करें। किसी काम को अंतिम समय में करने की कोशिश नुकसानदायक हो सकता है। रिलेशनशिप से जुड़ी परेशानी आपके सीमित विचारों की वजह से हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना होगा। सेहत से जुड़ी चिंता दूर करने के लिए जीवन शैली में बदलाव करना भी होगा। आज दाम्पत्य जीवन में मधुरता रह सकती है। परिवार व प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताने की ज्यादा कोशिश करें। मांगलिक कार्य में सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस कारण अपनी रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का मौका भी आपको मिल सकता है। सावधानियां, बहुत अधिक व्यस्त रहेगी लेकिन उसके बावजूद संबंधों को नजरअंदाज न करें।
गैर जरूरी यात्रा और खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। अनावश्यक मेलजोल ना बढ़ाएं। किसी अप्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से वातावरण नकारात्मक हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर साथी की तलाश है तो अभी थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। भविष्य में रोमांस के क्षण मिलेंगे। सफर में हुई गड़बड़ी या किसी की लाइलाज बीमारी के कारण तनाव महसूस हो सकता है। आज प्यार में सफलता और असफलता दोनों का संयोग है, बस आपके नजरिए पर निर्भर करता है। अपनी जीवन शैली को बदलिए, इससे रोमांटिक रिश्ते पर एक सकारात्मक प्रभाव पैदा हो सकता है। इससे अपने साथी के प्रति आकर्षण और अंतरंगता की वृद्धि में मदद मिलेगी। इसका प्यार और मोहब्बत के मामलों में आज के दिन बेहद सुखद रहेगा। आप अपने संबंध में एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं और आज आपकी सोच विचार में असामान्य स्पष्टता रहेगी। आप भावनाओं में बहे बिना बिल्कुल साफ सोच पाएंगे कि आप फिलहाल कहाँ हैं और यहाँ से आपको कहाँ जाना है। आप यह भी आसानी से समझ पाएंगे कि आपकी जिंदगी जिस रास्ते पर फिलहाल है, आप उससे खुश हैं या नहीं, उसे बदलना है या नहीं। बात करते हैं करियर की। हालांकि आप ईमानदार और मेहनती है, पर आज सफलता आपकी पहुंच से दूर रह सकती है। कुछ मामूली गलतियां आपको परेशान कर सकती है। आप अपने कार्यस्थल पर किसी भी विवाद से बचें। आज के दिन निवेश के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये दिन अपने दोस्तों के साथ आराम के लिए काफी ठीक रहेगा। इसके लिए यदि संभव हो तो आप एक दिन का अवकाश भी ले सकते हैं। आने वाले खतरे या मुसीबत के लिए आप अभी तैयार हैं। लोगों से बातचीत करें और अपने विचारों को उनसे बांटकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रदर्शन करें। सफर के दौरान गड़बड़ी की संभावना से बचने के लिए आज यात्रा ना करें। इतिहास खुद को दोहराता है, इसीलिए अच्छा करें और अच्छा पाएं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उनके अनुसार ही कार्य करें। योजनाएं बदलती है, नए मौके पैदा होते हैं और परिस्थितियां जीवन में अप्रत्याशित मोड़ लाती है। अपने कार्यस्थल में लचीला रवैया अपनाएं। आने वाले प्रेजेंटेशन और बैठकों की तरफ खास ध्यान दें। आप जो भी करें उसमें आनंद महसूस करें, यही आज का मंत्र है। व्यवसाय गतिविधियों में सुधार आएगा, इनकम बेहतर रहेगी, लेकिन साथ काम करने वालों तथा कर्मचारियों की गतिविधियों और क्रियाकलापों को नजरअंदाज ना करें। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में अधिकारी की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है। आज सेहत सामान्य रहने वाला है। योजनाबद्ध कामकाज में सफलता भी मिलेगी। माता पिता के स्वभाव का ध्यान रखें। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने दें, फिर दिन अच्छा भी बीतेगा। बात करते हैं सेहत की। आपके ऑफिस में काम का दबाव आपको तनाव दे रहा है, इससे आपकी सेहत प्रभावित हो रही है। आपको इस तनाव से पार पाने का कोई उपाय ढूंढना होगा, जिससे आप पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं। फिलहाल राहत के लिए या तो मसाज पार्लर से अपॉइंटमेंट ले लें या किसी ध्यान की कार्यशाला में भाग लें। सुबह की सैर आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। आज का उपाय। आज अब सूर्य देव को जल से धैर्य दें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।